सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, टेक इन फ्रेंड में आपका स्वागत है। तो गाइस कैसे हो आप लोग? आई हो पप अच्छे हो गए, एकदम बिंदास हो गए। तो गाइस आज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, मज़ेदार, गर्मा गर्म और लाजवाब टेक न्यूज लेकर आए गाइस। बता रहे गाइस बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है गाइस, आज कुछ अलग है, ठीक है ना। और आपको आज बहुत ज़्यादा फ़ोन लॉन्च हुआ है वो भी आपको मालूम चलेगा गाइस। वीडियो पूरा देखना अगर थोड़ा सा भी पसंद आए गाइस, ठीक है ना। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन प्रेस करना, और घंटी का दबा के जाना है, बिना घंटी दबाए मत जाना, प्लीज़ यार करके ही जाना, ठीक है गाइस। और गाइस रियलमी का C21 मलेशिया में लॉन्च हो चुका है, ठीक है ना। ऐसा बताया जा रहा है कि यार ये C20 का सक्सेसर है, ठीक है। और इसमें 5000 mAh की बैटरी, 3 कैमरा आपको प्राइमरी में मिल रहा है, और आपको G35 प्रोसेसर मिल रहा है हीलियो का, और 6.5 इंच का आपको HD+ डिस्प्ले, जो कि यार ठीक है। और देखो इंडिया में कब आता है, नहीं आता है, वैसे आएगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, बट किस प्राइस में आता है और क्या क्या स्पेक्स देता है यार आने के बाद ही मालूम चलेगा। तो गाइस आप बताने कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो इस मोबाइल से, मेरे को कमेंट में जरूर बताना। और गाइस रेड मैजिक का यार 2 फोन लॉन्च हो चुका है, ठीक है ना। और ऐसा बताया जा रहा है कि यार ये है रेड मैजिक 6 और 6 प्रो, और इसमें 18 GB तक का आपको रैम मिल सकता है, जो कि यार ओपी वाला, और स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर इसमें है, और 4500 mAh की बैटरी 6 प्रो में है, और 6 में आपको 5050 mAh की बैटरी मिली है, जो कि यार बढ़िया है, ठीक है। बस क्या प्राइस है, ठीक है ना, ये बस मालूम चले कि यार क्या प्राइस में लॉन्च हुआ है ये, वो मालूम चल जाए कि किस प्राइस में है। तो गाइस आप बताना कि यार आपको क्या लगता है इस सेट के बारे में, मेरे को कमेंट में जरूर बताना। और ये इंडिया में आता है कि नहीं आता है, ये भी मेरे को कमेंट में जरूर बताना आपको क्या लगता है। और गाइस वीवो का वीवो Y31S, ये जो ना स्टैंड एडिशन फ़ोन लॉन्च हो चुका है, ठीक है ना। और ऐसा बताया जा रहा है इसमें वेरिएंट मैं आपको बता दे रहा हूँ, 4 GB रैम, 128 GB वेरिएंट का जो प्राइस है वो कन्वर्ट करके आपको बता रहा हूँ 16,900, और 6 GB रैम, 128 GB वेरिएंट का प्राइस है 19,200 रुपये, जो कि यार कुछ ज़्यादा है, लेकिन वीवो जान ही रहे हो थोड़ा महंगा ही निकलता है। और गाइस और कुछ क्या खास इसमें आ सकता है, ये यार यहाँ इंडिया में आएगा तब मालूम चलेगा, इंडिया में अभी लॉन्च नहीं हुआ है गाइस। आप बताना कि अगर ये इंडिया में आता है तो आप इसको परचेस करोगे कि नहीं, मेरे को कंपनी में जरूर बताना। और आप इससे क्या एक्सपेक्ट करोगे कि यार प्राइस इतना ही होगा या और कुछ कम हो सकता है, मेरे को कंपनी में जरूर बताना। और गाइस ऐसा बताया जा रहा है कि रेडमी का टीवी जो है ना यार, ये जल्द ही इंडिया में आ सकता है, और बहुत बड़ी टीवी भी आ सकती है इंडिया में। तो गाइस यार देखो कब आता है, वैसे ऐसा बताया जा रहा है कि यार जल्द ही आ सकता है, और पहले भी रेडमी ने यार 98 इंच का टीवी लॉन्च किया था इससे पहले भी, ठीक है ना। और देखो इसमें क्या कुछ खास आ सकता है गाइस। गाइस आप बताना कि अगर ये टीवी आता है, बढ़िया प्राइस पे आता है और बढ़िया स्पेक्स देता है, तो गाइस आप परचेस करोगे कि नहीं, मेरे को कमेंट में जरूर बताना। अब गाइस ऐसा बताया जा रहा है कि रेडमी का K40 प्रो और K40 रीब्रांड हो के MI 11X प्रो और MI 11X के नाम से आ सकता है इंडिया में, या फिर और भी बहुत जगह, ठीक है ना। अब ऐसा बताया जा रहा है कि यार देखो कब आता है। तो गाइस आपको क्या लगता है यार, आप मेरे को कमेंट में जरूर बताना। और ये अगर आता है, बढ़िया प्राइस पे आता है, तो आप इसको परचेस करोगे कि नहीं, मेरे को ये भी बताना। यार क्या कर रहा है, आई डोंट नो गाइस, आने दो, उसके बाद मालूम चलेगा कि क्या होता है गाइस, ठीक है। और गाइस ऐसा बताया जा रहा है कि एयरटेल का यार 365 का जो प्लान है यार, वो सबसे सस्ता 1 ईयर का जो प्लान होता है वो है। और ऐसा बताया जा रहा है कि जियो का 1299 का जो प्लान है, उसमें 24 GB आपको डाटा मिल रहा है और 336 दिन का वैलिडिटी के साथ में, जो कि बढ़िया। और वोडाफोन और आइडिया का ऐसा बात करें तो 1499 में 24 GB मिल रहा है, प्लस आपको 3600 SMS प्लस अनलिमिटेड कॉलिंग मिल रहा है, जो कि यार बढ़िया है, ठीक है ना। और भी बहुत कुछ खास मिल रहा है। और ऐसा बताया जा रहा है वोडाफोन आइडिया का जो है ना, एयरटेल से बस 1 रुपया महंगा है, जो कि यार गजब है, ठीक है ना। तो गाइस आप बताना कि यार आप कौन सा सिम यूज़ करते हो, और एयरटेल यूज़ करते हो, वोडाफोन, जियो, कोई भी यूज़ करते हो, आप मेरे को कमेंट में जरूर बताना। और आपके इधर कौन सा बढ़िया चलता है, आप मेरे को कमेंट में ये भी बताना, ठीक है गाइस। और गाइस रियलमी का जो सेट लॉन्च हुआ था उसका नाम है रियलमी नार्जो 30 है, और ऐसा बताया जा रहा है उसमें 6000 mAh की बैटरी, 8 MP का आपको सेल्फी मिलता है, जो कि यार ठीक है। और आपको हीलियो G85 प्रोसेसर मिलता है, डुअल रियर कैमरा आपको पीछे मिलता है, जो कि ये बढ़िया था, ठीक है ना। और कल इसका सेल था गाइस, आप परचेस कियो कि नहीं, मेरे को कमेंट में जरूर बताना। और फ्लिपकार्ट पे सेल था, और रियलमी से भी जाके आप realme.com पे भी आप परचेस कर सकते हो। तो गाइस बताना कि आप इस सेट के लिए कितने ज़्यादा एक्साइट हो, और आप इसको परचेस किए हो कि नहीं किए हो, या करने वाले हो, मेरे को कमेंट में जरूर बताना। तो गाइस बताना कि यार आपको ये सेट कैसा लगा, ठीक है ना गाइस, बताना मेरे को कमेंट में जरूर, ठीक है गाइस। तो गाइस यही आज का टेक न्यूज, अगर थोड़ा सा भी पसंद आए दिल से, ठीक है ना गाइस, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और बेल आइकन प्रेस करना, घंटी दबा के जाना, और घंटी दबाए मत जाना यार, ठीक है ना, प्लीज़ दबा दो यार, ठीक है ना। तो गाइस चलते हैं फिर, कर मिलते, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय।